सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी यूक्रेन पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है, ताज़ा तस्वीरों में आप सऊदी अरब के विदेश मंत्री को जेलेंस्की के साथ देख सकते हैं। प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद पहुंच चुके हैं। ये पहला कोई सऊदी अरब का ऑफिशियल है जो यूक्रेन गया है। इतिहास में ये पहली बार नज़र आ रहा है कि कोई अरब देश का प्रतिनिधि या अरब देश का कोई विदेश मंत्री खुद पहुंचा है यूक्रेन और सौगात मदद की लेकर पहुंचा है। एक ही झटके में $400 मिलियन के अग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। $400 मिलियन की मदद सऊदी अरब यूक्रेन को देगा। वहीं दोस्तों आपको बड़ी खबर ये बतानी है कि यूक्रेन को जोरदार तमाचा बाइडन की सरकार ने मारा है, और बल्कि 70 साल के बूढ़े बाइडन ने खुद मार दिया है। मैं आपको बताऊं, बाइडन ने खुद कहा है कि हमारे एक्सपर्ट यानी हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट का ये मानना है कि यूक्रेन को F-16 विमान नहीं देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक, और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि यूक्रेन तड़प रहा है फाइटर जेट के लिए, बिदका हुआ है कि कैसे भी अमरीका हमको फाइटर जेट दे दे। दूसरे देश भी दे सकते हैं, लेकिन वो तब देंगे जब अमेरिका देगा। जब अमेरिका ने ही मना कर दिया तो कोई और देश दे ही नहीं सकता। अब एक्सपर्ट का कहना यह है कि एक बड़ा झटका यूक्रेन के लिए हो गया है। उधर जेलेंस्की ने अपने इरादे जो जताए हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं क्रीमिया के इलाके पर बड़ा हमला करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल बर्दाश्त नहीं करेगा वो तो बहुत दूर की बात है। इधर रशिया ने कई सारी चीज़ें जब यूक्रेन के द्वारा सुनी और यूक्रेन की तैयारी को देखा तो MLRS से बरसात यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर कर डाली। उधर दोस्तों इन सब के बाद पुतिन का पहला ऐसा बयान जिसने नेटो की नींद उड़ा दी है। पहला ऑफिशियल बयान जिसमें साफ साफ नेटो को अपना दुश्मन पुतिन ने घोषित कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया और ये कहा कि नेटो डायरेक्ट इस जंग में इतने भारी भरकम यूक्रेन को हथियार देके इस जंग में शामिल हो चुका है, हमें अपना बचाव करना होगा। उधर इमैनुअल मैक्रोन का बयान ये है कि हम अप्रैल के महीने में यूक्रेन के और रूस के मुद्दे पर बात करने के लिए चाइना जाएंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के ऊपर 10वां पैकेज सैंक्शंस का ठोक दिया है, जिस 10वें पैकेज में कई तरह की पाबंदियां रशिया पर हैं। पोलैंड से लेपर्ड 2 टैंक मिल गया है यूक्रेन को। इसके बाद एक तस्वीर ऐसी आई है जिसमें यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर लेपर्ड 2 टैंक से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलते हुए उन्होंने मजाकिया और स्वैग अंदाज में कहा, मॉस्को का रोड किधर है? देखिए, उधर यूरोपीय यूनियन ने वैगनर ग्रुप को भी बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि वैगनर ग्रुप ने पूरे अफ्रीका में अलग अलग इलाकों में ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार इतने हथियार जितने यूक्रेन को भेजे हैं उतने अफगानिस्तान को भी नहीं भेजे थे अमेरिका ने, जबकि अफगानिस्तान में खुद मौजूद था। यानी अफगानिस्तान से ज़्यादा यूक्रेन को हथियार अमेरिका भेज चुका है। बखमत के रूस के इलाके पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका पर ढावा बोलते हुए कहा कि हम यानी पूरा रशिया उस अमरीका के खिलाफ है जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपने मतलब के हिसाब से बनाना चाहता है। हम कभी भी अमेरिका की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी टीवी चैनल का एक इंटरव्यू है, कॉपीराइट के चलते मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन ट्रांसलेशन करके बता सकता हूँ। ये हैं CIA के चीफ विलियम बर्न्स। CIA के चीफ हैं जिन्होंने एक महिला पत्रकार को CNN पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें पूरा यकीन है, हमारे एक्सपर्ट्स के पास ये जानकारी मौजूद है कि काफ़ी जल्द चाइना रशिया को हथियार दे सकता है। उधर इसके बाद NSA, जी हाँ ये देखिए,
ताज़ा रिपोर्ट में NSA हैं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने धमकी दी है कि अगर चाइना ने हथियार रशिया को दिए तो भारी मात्रा में एक बड़ा नुकसान चाइना को भुगतना होगा। उधर यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया। यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के ईगो के चक्कर में हर दिन रूस के 800 सैनिक मारे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन अपनी जगह सही हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि नेटो और दूसरे देश जो हैं हमारे खिलाफ इस जंग में कूद चुके हैं, और हकीकत यह है जो पिछले 6 महीने से मैं आपको दिखा रहा हूं और समझा भी रहा हूं, और इस पे मेरा मेन फोकस है कि जो देश अपने देशवासियों का पैसा है और उनके पैसे से हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, हालत ऐसी है कि वो खुद देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। जंग से नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। अब देखिए, जो देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे रहे थे, उन सभी देशों में रूस के समर्थन में कि हाँ आप रूस के खिलाफ हथियार देना बंद कर दें, इस बात की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये देखिए, जर्मनी है ये भाई साहब, जर्मनी की सड़कें, जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक सबसे पहले दिया है ना, अब उसी जर्मनी में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनकी डिमांड है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। दो इससे नुकसान हो रहा है जर्मनी को, एक तो जर्मनी के टैक्स पेयर्स के पैसे से ये हथियार किसी दूसरे देश को दिए जा रहे हैं, दूसरा नुकसान ये है कि देश का खजाना कम हो रहा है। तो ये आगे आने वाला जो जर्मन का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में है। अब आपको ये समझाना चाहूँगा और अब जो बताने वाला हूँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आंकड़ों को याद रखिएगा। जर्मनी सबसे आगे इस जंग में कूद रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत अच्छे से लड़ लूँगा। अब देखिए, 6 लाख जर्मन के अधिकारियों ने, जिसमें एक्सपर्ट हैं, लॉ मेकर्स भी हैं और बड़े अधिकारी भी हैं, इन लोगों ने एक ऐसे पिटीशन पर साइन किया है 6 लाख, जिसमें लिखा गया है कि जर्मनी किसी भी तरह से यूक्रेन को हथियार और पैसा ना दे। ठीक ऐसी ही तस्वीर इसराइल में भी नजर आ रही है। इसराइल से यूक्रेन ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे समर्थन में इसराइल बोले, लेकिन इसराइल में कहानी दूसरी है। इसराइल में यहूदी लोग रूस के समर्थन में रूस का झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। ये देखिए दोस्तों, इन इसराइलियों की भी यही मांग है कि पहले से हम अपने देश में फिलिस्तीनियों के साथ भिड़े हुए हैं, हालात हमारे देश के भी सही नहीं हैं, हमें खुद मजबूत होने की ज़रूरत है और हमारा देश मिलिट्री सपोर्ट और जो हथियार देने पर सोच रहा है, ऐसा इसराइल ना करे। ठीक ऐसे ही इटली में भी रूस के समर्थन में और इस बात पर कि आप यानी हमारा देश यूक्रेन को हथियार और पैसा देना बंद करे, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उधर अमेरिका में रशियन एम्बेसी के बाहर यूक्रेन के समर्थन में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पोलैंड का टेटवा पूरी तरह से आखिरकार रूस ने दबा दिया। जी हाँ, पूरी तरह से। अभी तो बूंद बूंद कुछ दे रहा था, लेकिन पोलैंड को पूरी तरह से गैस, तेल और डीजल देना, ईंधन देना बंद कर दिया रशिया ने पूरी तरह से। पत्रकारों को जेलेंस्की ने, मतलब पत्रकारों के जरिए सारी दुनिया को अपनी लाचारी दिखाई है, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर दिखाया है कि वो किस जगह रह रहे हैं पिछले 1 साल से, वो कैसे रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जेलेंस्की एक आम घर जैसे दिखने वाली जगह पर रह रहे हैं। काफ़ी छोटा सा उनका बेडरूम है, काफ़ी छोटी सी जगह है। हमारे लिए, आपके लिए महल है, लेकिन एक किसी देश के प्रेसिडेंट के लिए आप जानते हैं काफ़ी छोटी सी जगह है। सेफ हाउस है, लेकिन लोकेशन का जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी एक प्रेसिडेंट एक छोटी सी जगह पर रह रहा है, ये काफ़ी अपने में एक बड़ी बात है। भारत में G20 की मीटिंग चल रही है और इसमें पूरी कोशिश थी कि G20 के देश मिलकर रूस के
हमलों की आलोचना करेंगे, लेकिन भारत तो खुद भी नहीं चाहता था कि रूस की आलोचना हो, मना कर चुका था भारत, लेकिन चाइना ने भी टांग अड़ा दी। चाइना ने साफ कह दिया कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। उधर टर्की के अंदर इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होने वाला था, जिसमें ये देखिए ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक जगह पर पूरी दुनिया के देशों के साथ रशिया का भी झंडा लगा हुआ था। यूक्रेन के एक नागरिक ने, सपोर्टर ने, वो रूस का झंडा उतार कर फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से रशिया ने मारियोपोल पर कब्जा किया, तोड़फोड़ कर नया मारियोपोल बनाकर तैयार किया। अब अमरीका की लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो है यूक्रेन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मारियोपोल पर हमला करना शुरू कर दिया है उन मिसाइलों से। खैर, नुकसान तो भाई साहब यूक्रेन को बड़ा हुआ है। बैखमत का वो इलाका अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कल तक यूक्रेन के हाथ में था, अब रशिया के हाथ में है। पूरी तरह से रशिया ने इसको खंडर में तब्दील कर दिया है। इसी तरह से यूक्रेन का हिस्सा था अवदीवका, ये इलाका जो था उस पर रशिया का कब्जा हो गया। रशिया सुकून से था, चलो भाई ये भी इलाका हमारे हाथ में आ गया है। उस अवदीवका के इलाके में ऐसा हमला यूक्रेन ने किया कि रूस की चाहतों पे पानी फिर गया। शूत्रम से बुलत से हुआ है। Андрюха, пошли на ту сторону, там еще один взгляд был. Это воронка вот эта? तो यूक्रेन की राजधानी कीव की एक फैक्ट्री में, जहां बताया जा रहा है हथियार बनते थे, बड़ा हमला हुआ, यही वजह सामने आ रही है। और उसके बाद जो आग लगी ये देखिए। दोस्तों, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बड़ी बात तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने करी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि एक ना एक दिन जो पुतिन के सर्कल के लोग हैं ना आसपास, वही उनका कत्ल कर देंगे। यूक्रेन का मार इनका नाम का एक इलाका, पूरा एक बड़ा, समझ लिए वहाँ गांव तो होते ही नहीं है, वो बहुत बड़ी जगह, एक पूरा शहर रूस ने तबाह कर दिया। तबाही का मंजर दिखाऊँ आपको, ये देखिए। जंग थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आपकी तवज्जो अगर इस बात पर नहीं है तो मैं आपकी तवज्जो यहाँ पर भी लाना चाहूँगा कि दूसरी जंगों में सीज़ फायर का ऐलान होता है, एक घंटे का सीज़ फायर, दो घंटे का सीज़ फायर, दो दिन का सीज़ फायर, कि दो दिन तक जंग नहीं होगी, रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक साल से कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल, इससे सादी जबान और क्या है?
अब दूसरी लैंग्वेज में थोड़ी ना बताएंगे आपको, अब आपकी और हमारी भाषा मिक्स करके बता देते हैं, अब इससे आसान हम नहीं बता सकते। लिहाजा आप कमेंट कीजिए, रिपोर्ट पर अपनी राय दीजिए, हमको दुआएं दीजिए। जय हिंद।